वेलकम मेरा नाम वंदना सिंह है इस वीडियो में 2021 और 2022 के लिए 50 जो है तीन क्वेश्चन थे इनको हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड था दूसरा क्वेश्चन जो है एयर प्रेशर से रिलेटेड था और तीसरा क्वेश्चन जो है जियो एनर्जी से रिलेटेड था तो चलिए हम अपने क्वेश्चन करते हैं तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू अंडर व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग अंडरलाइनिंग द इश्यूज एंड एक्सप्लेन इट रिलेशन विद प्री मॉनसून मिशन तो ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको बताना था कि आर्टिफिशियल रेन क्या है इसके इश्यूज क्या हैं और इसको प्री मॉनसून मिशन से जो है इंटरलिंक करना था वन ट्वेंटी फाइव वर्ड्स में तो पहले जो है आपको बताना था कि आर्टिफिशियल रेन क्या होता है तो एक नॉर्मल डेफिनेशन लिखनी है आपको कि आर्टिफिशियल रेन तो, uh, और क्लाउड सीडिंग इज़ अ टेक्निक टू इंक्रीज चांसेस ऑफ रेन और स्नो इन अ पर्टिकुलर रीजन बाय आर्टिफिशियल मींस तो रेन के चांसेस और स्नो के चांसेस पर्टिकुलर रीजन में इंक्रीज करना बाय आर्टिफिशियल मीन दो टाइप्स ऑफ क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन होती है एक होता है स्टेटिक क्लाउड सीडिंग स्टेटिक में क्या होता है दिस मेथड यूज सिल्वर आई टू इंक्रीज द प्रेसिटिपेशन प्रोबेबिलिटी दूसरा होता है डायनेमिक डायनेमिक क्या होता है इन्वॉल्व ऑल्टरिंग डायनेमिक ऑफ क्लाउड बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइस क्रिस्टल तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक में क्या होता है कि रेन एनहेंचमेंट होता है बाय हाइड्रोस्कोपिक सॉल्ट न्यूक्लियर तीन तरह की होती है एक होता है स्टैटिक स्टैटिक में आप सिल्वर आइड्राइड यूज करते हैं प्रेसिटिपेशन यूज करने के लिए दूसरा होता है डायनेमिक इसमें आप ऑल्टर करते हैं डायनेमिक ऑफ द क्लाउड और इसमें आइस क्रिस्टल जो है इंक्रीज करते हैं और तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक तो ये तीन तरह की जो है क्लाउड सीडिंग होती है या आर्टिफिशियल रेन ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं तो ये जो बादल हैं वो आपके आंसर ये बादल की चमक आपके आंसर को और चमका सकती है तो आप चाहे इसको बना सकते हैं देखो इसका डायग्राम का क्या है कि ये बादल है ये आ, एरो प्लेन है और इसमें जो है सिल्वर आइडाइट जो है यहाँ से रिलीज हो रहा है तो सिल्वर आइडाइट जब रिलीज हो रहा है तो ये सिल्वर आइडाइट जो है क्लाउड तक पहुंचेगा क्लाउड पे सिल्वर आइडाइट पहुँचने के बाद जो सिल्वर आइडाइट का काम क्या होता है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल है उसको उसके फॉर्मेशन में इसको एड करता है और जैसे ही इसमें आइस क्रिस्टल लेंगे तो आइस क्रिस्टल जो है डिसेंड होंगे मेल्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ द रेन तो मतलब सिल्वर uh, आईडाइड जो है आइस uh, क्रिस्टल बनाता है और आइस क्रिस्टल डिसेंड होने के बाद वो है रेन फॉर्मेशन करता है तो ये इसका फॉम uh, है तो आप ये जो है ये डायग्राम बना सकते हैं ये बद, चमके हुए बादल आपके आंसर को और चमकाने की कोशिश करेगा तो आप चाहे तो ये बना सकते हैं फिर क्वेश्चन क्या था कि इश्यूज uh, बताने थे और दूसरा क्या था विद रिलेशन टू प्री मॉनसून तो आर्टिफिशियल uh, रेन के जो है इश्यूज ये हैं कि uh, पहला ओवर यूजिंग माइट लीड टू सीवियर टेम्परेचर ड्रॉप तीसरा है और uh, दूसरा है कि इट इंपैक्ट द सराउंडिंग रीजन बाय कॉजिंग सीवियर ड्राइनेस दूसरा तीसरा है कि इट कॉज द अनस्टेबल वेदर कंडीशन अनस्टेबल वेदर कंडीशन कर देता है लॉस ऑफ एक्टिक लाइफ होता है ड्यू टू यूज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक सिल्वर आइडाइड सिल्वर आइडाइड होगा जो रेन है जब वो पड़ेगी वो एक्टिक जो रिवर है उसमें जो पानी जाएगा रेन वाटर तो वो एक्टिक लाइफ को भी जो है डिस्टर्ब करेगा डिलीवरिंग केमिकल टू स्काई रिलीजिंग डैम इन टू एयर इज टू कास्टली तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है कि एरोप्लेन ऊपर लेके जाना ए टी एफ फ्यूल आपको पता ही है कितना महँगा आता है एविएशन टर्वाइाइन फ्यूल तो एविएशन प्लेन को ऊपर लेके जाना और फिर वहाँ से जो है सिल्वर आइड्राइड यूज इंड्यूस करना आ, क्लाउड के अंदर फिर वहाँ से रेन uh, कराना तो इट्स वेरी कॉस्टली ये है और दूसरा है ड्राई आइस कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैस हेंस कॉज पॉल्यूशन तो ड्राई आइस जो है ग्रीन हाउस गैस का भी सोर्स हो सकता है और ये पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है फिर uh, प्री मॉनसून मिशन क्या है बेसिकली आप इसमें नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में हल्का सा बता के फिर आप जो है प्री मॉनसून का जो है इसमें टच दे सकते हैं वो इस तरह से कि नेशनल मॉनसून मिशन लॉन्च इन इतना विद द एम टू डेवलप द मॉनसून प्रोटेक्शन सिस्टम क्लाउड सीडिंग कैन बी यूज अलोंग विद दिस टू क्रिएट रेन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू ड्रॉट स्टिकन एरिया एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्ट वर्षाधारी जो कर्नाटका में यूज़ हुआ था उसकी तरह जो है आप इसको कर सकते हैं कि uh, आप रेन क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको जो ड्रॉप्ड स्टेकन एरिया है वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाए तो रीसेंट एग्जाम्पल ये है कि आ, इन कर्नाटका दिस ऑप्शन इज अडॉप्टेड देयर इन व्यू ऑफ द फोरकास्ट ऑफ डिक्रीजिंग रेनफॉल इन अ ईयर इन एडिशन टू दिस ड्यू ड्यू टू एक्सेसिव बीइंग सर्च फॉर तो बेसिकली मैनी स्टेट जो है बहुत सारे स्टेट जो है ड्रॉट का इशू फेस कर रहे हैं तो ये वो लोग जो है आर्टिफिशियल रेन यूज़ कर सकते हैं जैसे कर्नाटका हो गया उसने 2019 में जो है क्लाउड सीडिंग टेक्निक यूज़ की थी इन जून टू सेव क्रॉप इंस्टीड ऑफ द मॉनसून अराइवल इन अगस्त तो सेव क्रॉप को सेव करने के लिए ये क्लाउड सीडिंग टेक्निक जो है कर्नाटक ने यूज़ करी थी साउथ इंडियन स्टेट जैसे हो गए या फिर महाराष्ट्र गुजरात हो गए वो उन्होंने प्री मानसून टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए और और दिल्ली जो है इसने कंसीडर किया है कि आर्टिफिशियल रेन टू ब्रिंग डाउन पॉल्यूशन लेवल ड्यूरिंग दिवाली तो दिवाली के टाइम जो है पॉल्यूशन लेवल को यूज करने के लिए तो ये जो ऊपर जो मैंने इश्यूज बताए थे तो दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स हैं और इसके रीसेंट एग्जाम्पल जो है ये आप लिख सकते हो कर्नाटका का एग्जाम्पल हो गया महाराष्ट्र का गुजरात का एग्जाम्पल हो गया दिल्ली का एग्जाम्पल हो गया तो दीज आर द रीसेंट एग्जाम्पल्स तो दीज आर द रीसेंट एग्जाम्पल कि जहां हम आ, प्री मॉनसून जो है प्री आ, आ, प्री मिशन की तरह जो है हम इसको यूज कर सकते हैं कि मतलब कर्नाटका में जैसे हुआ था कि जून में यूज कर लिया था मॉनसून आने से पहले क्लाउड सीडिंग टेक्निक और जैसे महाराष्ट्र गुजरात में यूज होती हैं एंड डेली में जो है आर्टिफिशियल रेन यूज हुई थी टू तो ब्रिंग डाउन पॉल्यूशन लेवल तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट है डिस्कस ऑल द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग एयर प्रेशर तो डिटरमाइनिंग एयर प्रेशर तो प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया ये भी अगर याद रहेगा ना तो एयर प्रेशर की तो 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 जो है डेफिनेशन लिख लिया तो एयर प्रेशर एट अ गिवन प्लेस इज डिफाइन एज द फोर्स एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन बाय वर्च्यू ऑफ द वेट ऑफ ऑल द एयर अब इट तो फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है इन डायरेक्शन बाय द वेट ऑफ ऑल द एयर अब इट तो ये वो एयर प्रेशर होता है अब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर प्रेशर तो एयर प्रेशर जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पांच फैक्टर हैं पहला टेम्परेचर हो गया दूसरा ऑल्टीट्यूड हो गया तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया चौथा रोटेशनल अर्थ रोटेशनल और पांचवा वाटर पेपर तो इस तरह से जो है आप डायग्राम बना रख रहे कि जब आपको कोई चीज एकदम पता रहती है कि इतने फैक्टर हैं या फिर इतने डायमेंशन हैं तो ये एस टाइप के जो है पेंटागन हो गया हेक्सागन टाइप डायग्राम हो गया ट्राइंगल हो गया तीन फैक्टर हैं या कुछ इस टाइप से जो है ये डायग्राम जो है बना दिया करो थोड़ा कैची सा लगता है ओके okay. तो बादल आज के पेपर में जो है बादल बहुत आ रहे हैं बादल की चमक तो अब जाकिर खान को याद करने में बैठ जाना बादलों से तो यहाँ ध्यान लगाओ कि एयर प्रेशर पे तो ये जो है ये डायग्राम है बादल है एंड फिर उसके बाद ऊपर की साइड एयर प्रेशर लग रहा है नीचे की साइड जो है ग्रेविटी लग रही है तो ये डायग्राम जो है आप बनाना चाहो तो बना सकते हो तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर प्रेशर पहला है टेम्परेचर तो टेम्परेचर क्या इन लो प्रेशर तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है एयर एक्सपेंड होती है एयर एक्सपेंड हुई तो डेंसिटी डिक्रीज हुई और जो रिजल्ट करती है लो प्रेशर में तो so, टेम्परेचर का जो है प्रेशर पे ये इंपैक्ट होता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर तो ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है टेम्परेचर का और प्रेशर का फिर ऑल्टीट्यूड जो है सी लेवल हैज़ द हाइस्ट प्रेशर जो सी लेवल होता है उसका जो प्रेशर है वो हाइएस्ट होता है एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम सी लेवल एयर प्रेशर डिक्रीज़ तो जो सी लेवल है उस पर प्रेशर हायर होता है जैसे ही हम ऊपर की मूव करते रहते हैं तो हम जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज uh, होता है तो ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ करने पे जो है एयर प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो दिस इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑल्टीट्यूड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर प्रेशर वाटर वेपर वाटर वेपर आर लाइट इन वेट दे राइज अप एंड द प्रेशर ऑफ द ह्यूमिड एयर डिक्रीज एज कम्पेयर टू ड्राई एयर तो वाटर वेपर जो है लाइट वेट में होते हैं वो ऊपर की तरफ राइज अप हो जाते हैं और प्रेशर ऑफ ह्यूमिड एयर जो है वो डिक्रीज हो जाता है फिर नेक्स्ट है ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ तो एटमॉस्फेयर ग्लू अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन तो आपको सबको पता ही है कि एटमॉस्फेयर जो है ग्लूज है अराउंड द अर्थ ग्रेविटेशन की वजह से द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल डिक्रीज एज वी गेट अवे फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ तो ये जो है ग्रेविटेशन का रोल होता है तो रोटेशन ऑफ द अर्थ रोटेशन ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस सेंट्रिफिकल फोर्स विच हैज मोर इफेक्टेन इक्वेटेरियल रीजन सम सेम इज द इफेक्ट ऑन एयर प्रेशर विच इज रिजल्ट इन टू लेसर प्रेशर इन इक्वेटेरियल रीजन तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है प्रेशर जो है वो कम होता है तो रोटेशन ऑफ द अर्थ का जो है ये इफेक्ट होता है तो so, रोटेशन जैसी अर्थ की होगी वो एक सेंट्रिकुगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा जिसका इफेक्ट जो है इक्वेटेरियल रीजन में जो है ज्यादा होता है और विद इफेक्ट ऑन एयर प्रेशर विद रिजल्ट इन लेसर प्रेशर इन द इक्टेरियल रीजन फिर उसके बाद जो है आप इसको कंक्लूड कर देंगे कि एयर प्रेशर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हॉर्जेंटली एंड वर्टिकली एंड अकॉर्डिंगली एयर प्रेशर चेंज तो एयर प्रेशर जो है ऑल अराउंड द अर्थ है और ये जो है मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मतलब हॉर्जेंटली और वर्टिकल वेज में है और और इसके अकॉर्डिंग जो है एयर प्रेशर चेंज होता है तो ये जो है इसका आप कंक्लूड कर देंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय जियोथर्मल एनर्जी तो जियोथर्मल एनर्जी से आप क्या समझते हैं तो व्हाट स्टेप आर बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस एनर्जी तो भारत सरकार के द्वारा uh, क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस एनर्जी तो पहले जियो एनर्जी जो है उसको आप डिफाइन करेंगे कि जियो एनर्जी इज द एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम द हीट स्टोर्ड इन द अर्थ क्रस्ट जियोथर्मल एनर्जी कहाँ से ऑपटेन होती है जो हीट है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है स्टोर्ड होती है एंड यूज फॉर द वेरियस पर्पजेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशन जियो थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन द अर्थ क्रस्ट अप टू द डेप्थ ऑफ थ्री टू फोर किलोमीटर ये जो है आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई जियो थर्मल एनर्जी की अब जो है इसका आप जियो थर्मल एनर्जी का एक डायग्राम भी बना सकते हैं कि जैसे ये हीट एक्सचेंज हो गया यहाँ प्रोडक्शन वॉल हो गया या इंजेक्शन वॉल वेल हो गया प्रोडक्शन वेल एंड इंजेक्शन वेल फिर हीट एक्सचेंज हो रहा है यहाँ से एक टर्बाइन फ्लू जा रहा है फिर ये टर्बाइन है फिर यहाँ से स्टीम बन रही है फिर टर्बाइन के बाद ये यहाँ जनरेट हो रही है तो यहाँ से आप जो है यू गेट द जियो थर्मल एनर्जी विच यू कैन यूज़ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और फॉर एनी हीटिंग अप्लाई एप्लीकेशन कोई भी तो इस तरह से ये डायग्राम आप जो है बना के आ सकते हैं बहुत ईजी से डायग्राम है ऐसे करके हीट एक्सचेंज बनाना टर, टर्बाइन करना और यहाँ स्टीम बनना और ये जनरेटर ऐसे लगा देना तो ये एक इजी सा डायग्राम है और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम कैची सा हो जाएगा कि एग्जामिनर भी देख के एकदम दंग से हो जाएगा अरे क्या है ये तो तो वही है मतलब इतने एतन, मोनोटॉनस आंसर लिखोगे एकदम से ऐसा डायग्राम बनेगा ना तो एग्जामिनर भी बड़ा खुश सा हो जाएगा फिर तो मैप वैप तो सब लोग बना के ही आएंगे मैं आप जो है मैप बना लिया इंडिया का फिर उसके बाद यहाँ पुगा दिखा दिया यहाँ छत्तीसगढ़ में ये दिखा दिया वो दिखा दिया वो सब तो बना के ही आएंगे आप भी बना सकते हैं लेकिन मुझे लगता है शायद इसको बनाएंगे तो ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा ठीक है मतलब अगर मैं एग्जामिनर होती रोती हूँ मेरे सामने कोई ये डायग्राम बनाता है तो मुझ पर तो ज्यादा ही इसका इम्पेक्ट पड़ता कि मतलब हाँ कुछ हटके से करा है तो अच्छा स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्मेंट तो स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्मेंट इन इंडिया एक्सप्लोरेशन एंड स्टडी ऑफ द जियो थर्मल स्टार्टेड इन नाइनटीन सेवेंटी द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज आइडेंटीफाई थ्री फिफ्टी जियोथर्मल एनर्जी लोकेशन इन द कंट्री द मोस्ट प्रोमिस ऑफ दिस इज इन पूगा वैली लद्दाख द एस्टिमेटेड पोटेंशियल फॉर द जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया इज अबाउट टेन थाउजेंड मेगावाट एंड फिर उसके बाद जो है अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आप उसको बताएंगे तो आपने एक बेसिक जो है जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया कि कब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ था जी uh, ने जो है तीन सौ पचास एनर्जी लोकेशन जो है आइडेंटिफाई करे हैं और इसमें से जो मोस्ट प्रोमिसिंग है वो पूगा वैली है और द एस्टिमेटेड पोटेंशियल फॉर जियोथर्मल थर्मल इतना है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि पूगा मनीकरणन और तुवा और ये सारे ताता पानी और ये सारे जो है बाकी ये सारे जियो थर्मल स्टॉप है अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव में क्या मतलब जितने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे वो कि इन 2013 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इस्टैब्लिश द जियो थर्मल पावर प्लांट एट ताता पानी इन ट्वेंटी एग्रीमेंट वॉज साइन टू इस्टिश द फर्स्ट जियो पावर प्रोजेक्ट इन लद्दाख तो so, 2021 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर जियो पावर प्रोजेक्ट लद्दाख में फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट हैज प्लान टू प्रोवाइड कैपिटल सब्सिडी ऑफ थर्टी परसेंट तो जियो जो है गवर्नमेंट जो है थर्टी परसेंट की कैपिटल सब्सिडी जो है प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड लार्ज इंसेंटिव एंड सब्सिडीज फॉर द रिसर्च डिजाइन डेवलपमेंट एंड डेमिस्ट्रेशन फॉर हार्नेसिंग जियो एनर्जी तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंसेंटिव प्रोवाइड करती है रिसर्च डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए जियोथर्मल एनर्जी के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ प्लान टू जनरेट अप टू वन थाउजेंड मेगा वॉट ऑफ जियो थर्मल बाय ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ये जो है इसका आंसर हो गया फिर उसके बाद जो है आप इसको कंक्लूड कर देंगे तो uh, कंक्लूड कुछ इस तरह से uh, कि सिंस एंशंट टाइम पीपल हैव बीन यूजिंग दिस सोर्स ऑफ एनर्जी तो एंशंट टाइम से जो है लोग इसी एनर्जी को यूज़ करते थे इसी एनर्जी को जो है आ, इसी एनर्जी को बाथिंग में यूज करते थे कि मतलब वहां से जो जियोथर्मल जो अंडरग्राउंड जो वाटर आएगा तो उसी से जो लोग हैं वो बाथिंग नहाते थे और अपने जितने भी सारे हाउस होल्ड आइटम जितने भी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की वो इससे ही करते थे इट इज़ बिलीव दैट इनफ हीट इज रेडिएटेड टू फुलफिल ह्यूमन एनर्जी डिमांड फॉर ऑल टाइम तो मतलब एंशंट टाइम पीपल हैव बीन यूजिंग दिस सोर्स ऑफ एनर्जी और ये बिलीव किया गया है कि इनफ हीट रेडिएट हुई है टू फुलफिल द एनर्जी डिमांड फॉर ऑल टाइम्स मतलब सारे टाइम्स के लिए जो है जियोथर्मल एनर्जी से ये डिमांड जो है फुलफॉल फुलफिल हो सकती है तो सारे टाइम के लिए फुलफिल हो सकती है लेकिन अगर हम इस चीज़ का जो है सस्टेनेबल यूज़ करेंगे तभी हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए ये uh, जो एनर्जी है वो मुहैया हो पाएगी तो इसी को जो कंटिन्यूटी है आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ जियोथर्मल फ्लूड नीड्स टू बी पम्प्ड बैक इन टू द ग्राउंड रिजर्वॉयर फास्टर देन इट इज डिप्लीटेड मतलब जियो थर्मल फ्लूड जो है वो वापस पम्प्ड बैक होना चाहिए अंडरग्राउंड ग्राउंड में मतलब फास्टर देन इट्स डिप्लीटेड दिस मीन्स दैट जियो थर्मल नीड टू बी प्रॉपरली मैनेज टू मेंटेन इट्स सस्टेनेबिलिटी तो आगे वाली जनरेशन के लिए मतलब एंशियंट टाइम्स आप जियोथर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं और आगे वाली जनरेशन के की डिमांड ये फुलफिल कर सकता है लेकिन इसके लिए जो है हमें आ, आ, इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखना होगा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री तो हम इसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन कर पाएंगे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री टू एसेस द जियोथर्मल एनर्जी प्रॉज एंड कॉन्स इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज वाइल मिटिगेटिंग अगेंस्ट एनी पोटेंशियल प्रॉब्लम इंडस्ट्री तो को जो है एसेस करना होगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं टू जिससे इसका जो है भरपूर जो है एडवांटेज लिया जाए बाई मिटिगेटिंग एनी पोटेंशियल प्रॉब्लम तो ये जो है मतलब सस्टेनेबल यूज जो है माना कि एंशियट टाइम्स आप यूज कर रहे हैं आपकी एनर्जी डिमांड सारे टाइम्स की इससे फुलफिल हो सकती है लेकिन आपको जो है इसका प्रॉपरली जो है सस्टेनेबल यूज करना होगा इस और उसके लिए जो है आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे कि एक्सेस करने होंगे Uh, मतलब इंडस्ट्री के द्वारा तो ये जो है ये आपका जो है आंसर कंप्लीट हो गया है uh, तो हमने आज तीन आंसर जो है अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी जो है ये uh, प्रिलिम्स बैच है uh, तो ये बैच रनिंग है uh, 2022 के लिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो पी होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी और बाकी टेलीग्राम पे हम डेली को रोज अपडेट करते हैं और आंसर राइटिंग जो है जो क्वेश्चन हैं वो रोज़ सुबह जो है टेलीग्राम पे डलते हैं और यहाँ आंसर डिस्कस होता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे अराउंड 9:45 पे और बाकी तो आप यूट्यूब पे मुझे देख ही रहे हैं थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट